अगला सवाल बिहार के पटना से निलोपतल दास गुप्ता जी का है, हमारे साथ जुड़ रहे निलोपतल जी, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते 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 मैडम, सारे टैक्स ग्रुप को नमस्कार। और हम दो सवाल पूछना चाहते हैं, उसमें एक छोटा सा है कि अगर पीपीएफ मैच्योरिटी को हाउस वाइफ स्पाउस के नाम से अगर प्रॉपर्टी लिया जाए, क्या उसमें नॉमिनल क्रेडिट लगेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि अगर पीपीएफ मैच्योरिटी अगर पोस्ट रिटायरमेंट लिया जाए तो वो क्या ईईई के दायरे में आएगा? देखिए ऐसा है गुप्ता जी कि पीपीएफ की जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी में आज तक तो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है आपके हाथ में, परंतु जो प्रश्न मुझे समझ में आया जो आप भेजा है पहले भी कि आप ये पैसा आप अपनी वाइफ के नाम से घर खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु क्या है चूंकि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, उनके और कोई इनकम नहीं है तो इसको लोन नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि लोन तो वापस रीपेमेंट करना पड़ता है। अगर गिफ्ट आप ट्रीट करते हैं तो गिफ्ट की हुई राशि से जो भी असेट खरीदी जाती है उस पर जो इनकम होती है वो जो स्पाउस गिफ्ट देता है उसकी इनकम में ऐड होती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये जो घर खरीदना चाहते हैं आप आपके नाम से खरीद लीजिए और आपकी वाइफ को ज्वाइंट होल्डर बना दीजिए, पैसा भले ही आपका लगेगा उसमें कोई समस्या नहीं है, और किसी को कुछ हो जाए तो सक्सेशन में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी।